अरे गाइस, आज तो मैं आप लोगों को और सिंशन को एकदम शॉक करने वाला हूँ, क्योंकि आप भी सोचने वाले हो जो आज मैं आपको कॉस्ट्यूम दिखाऊंगा उसके बाद कि यार इस पागल से फ्रैंकलिन के पास इतना खतरनाक कॉस्ट्यूम कहाँ से आ गया। तो ठीक है, आप सभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो मैं आज आपको एक ऐसे कॉस्ट्यूम दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने बहुत ही पैसों में ख़रीदा है। हालाँकि वो असली नहीं है, लेकिन लगता बिल्कुल असली है। तो चलो तैयार हो, चलो जल्दी से, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो 1 2 और ये देखो 3। तो गाइज ये देखो मेरा कॉस्ट्यूम, अरे बाप रे। हाँ मतलब माना कि ये आयरन मैन का Mark 1 जैसा लग रहा है, लेकिन गाइज सही बताऊँ मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं इसको खरीदने में। चलो जाकर थोड़ा सा पब्लिक को शॉक करते हैं और सिंचन को भी दिखाते हैं कि हम आयरन मैन बन गए हैं। लेकिन अभी मेरे पास कोई पावर तो नहीं है सूट में, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम एक कॉपीड है, लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। आयरन मैन वो भी अपने Mark 1 में यहाँ क्या कर रहा है? यही सही मौका होगा इसको जान से मारने का। और यार ये किसकी आवाज़ आ रही है? बाप रे कोई ईविल तो नहीं है? भागो यहाँ से। अरे बाप रे, अरे देखो, अरे बाप रे मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। अरे नहीं ये तो, अरे बाप रे तो ज़ॉम्बी आयरन मैन है, मुझे मार क्यों रहा है? अरे हाँ ये मुझे आयरन मैन तो नहीं समझ रहा है? अरे नहीं दोस्तों, ये तो गड़बड़ हो गई फिर से। अरे बार बार मैं क्यों फंस जाता हूँ इस तरह से? अरे यार मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। प्लीज़ कोई वीडियो को लाइक करो, थोड़ी बहुत पावर ही दे दो लाइक करके या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके। अरे बाप रे मुझे तो कोई पावर आ ही नहीं रही है मुझ में। इससे बेटर है कि मैं अपना सूट उतार दूं। इसको लग रहा है मैं आयरन मैन हूँ। अरे मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ। अरे बाप रे, बचो बचो बचो। और नहीं तेरी तो यार, मैंने अपना सूट उतार दिया है। नहीं तू फ्रैंकलिन बेशक है, लेकिन तू उसी का साथी है, तो इसलिए मैं तुझे मारूंगा। क्या क्या बोल रहा है? अरे बाप रे दोस्तों, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे, ये मुझे मार के रहेगा। हाँ मैं तुझे मारूंगा फ्रैंकलिन, तू मरेगा। अरे नहीं गाइस, उसने बहुत बुरा मारा मुझे, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, ज़ॉम्बी आयरन मैन हमारी दुनिया में क्या कर रहा है? और अगर ये मुझे मार कर गया तो इसका मतलब टोनी स्टार्क को भी इससे खतरा है। तो चलो जाकर बताते हैं टोनी स्टार्क को कि उसकी जान खतरे में है। तब तक प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, उससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और मुझे थोड़ा बहुत रिकवर होने में थोड़ी बहुत पावर भी मिल जाएगी। अरे यार मैं तो मरने जैसी हालत में हो गया हूँ, शुक्र है वो तो आप सब मेरे साथ हो, नहीं तो मैं मर गया होता। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होता तो। एक मिनट, ये रहा आयरन मैन। आयरन मैन मेरी बात सुन टोनी स्टार्क। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन, ऐसे लटे पिटे छोटे कहाँ से आ रहे हो? सिंचन से लड़ाई कर ली क्या? मुझे तो पहले ही पता था तुम ऐसे ही पिटोगे। अरे यार चुप करो आयरन मैन, मजाक का टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। असल में ज़ॉम्बी आयरन मैन ने मुझे आयरन मैन समझ कर इतना मारा कि मेरी ये हालत होगी। वो तो सही था कि मेरी ऑडियंस ने मुझे बचा लिया। ओह अच्छा ये बात है, वैसे बचाना नहीं चाहिए था तुम्हें, चलो कोई बात नहीं बचा लिया तो। वैसे ज़ॉम्बी आयरन मैन ने तुम्हें क्यों मारा आयरन मैन समझ के? ऐसा क्या कर रहे थे तुम? और तुम्हारी हालत तो देखो, तुम आयरन मैन कभी लग सकते हो क्या? किसी को गलती से भी नहीं लगोगे। चुप करो आयरन मैन, बहुत गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे, समझे? मैंने असल में सिंचन को लोगों को डराने के लिए और शॉक करने के लिए तुम्हारा Mark 1 का कॉस्ट्यूम खरीदा था। और क्या हुआ? ज़ॉम्बी आयरन ने मुझे बहुत मारा। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हारी क्या करूँ, हेल्प करूँ? हाँ फिलहाल तुम मुझे कोई ऐसा सूट दोगे जिससे कि मैं उस ज़ॉम्बी आयरन मैन को हरा दूँ, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत वापस लेनी है और साथ ही साथ में मुझे गॉड आयरन मैन भी बनना है। तुम्हारी औकात देगी तुमने फ्रैंकलिन, निकलो यहाँ से, समझे? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हो। अच्छा तू नहीं मानेगा, मैं तेरा सूट छीन लूंगा, समझा आयरन मैन? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, अच्छा मेरे पे गन उठा रहा है बेटा, देखा मैं तेरा क्या करूँ। जॉबिस पावर एक्टिवेट करो मेरी, तो ये पकड़ा मैंने तुझे, एक मिनट, अब कैसा लगा? हाँ आएगा कभी वापस? अरे बाप रे इतना बुरा मार रहा है तू टोनी स्टार्क, मैं तो तेरी मदद करने आया था, एक सूट नहीं दे सकता क्या तू मुझे? चल ठीक है Mark 1 ही दे दे यार, मैं उसी को अपग्रेड कर लूंगा। प्लीज यार तू बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, देख वो तुझे छोड़ेगा नहीं, ज़ॉम्बी आयरन मैन तुझे मार देगा, समझा? और मैं तेरी मदद करने भी नहीं आऊंगा, और जब का जब देखा जाएगा, निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अगली बार आए मेरा सूट लेने तो बहाना बेटर करके आना, समझा? हाँ ठीक है बेटा, तुझे तो देख लूँगा मैं टोनी स्टार्क। गाइस देख रहे हो कैसा ज़माना आ गया है, मैं जिसकी मदद करना चाह रहा था उसी ने मुझे मारा, कोई बात नहीं है, मैं अब टोनी स्टार्क से उसका कोई ना कोई सूट छीनूंगा, उसके बाद मैं बनूंगा गॉड आयरन मैन, और मैं अपना बदला भी लूँगा बेइज्जती का, और साथ ही साथ मैं बनने वाला हूँ गाइस गॉड आयरन मैन, ये मैंने ठान लिया है। तो चलो क्यों ना अब इस बात पर हमें फोकस किया जाए। सबसे पहले मुझे उस सुपर गन को निकालना होगा जिससे कि मैं आयरन मैन के सूट्स को डीएक्टिवेट कर पाऊँ, मेरा मतलब हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ टाइम के लिए, जिससे कि मैं उसका सूट चुरा पाऊँ। चलो हमें स्टार्क मेंशन में छुप कर जाना होगा, नहीं तो उसने मुझे देख लिया तो मुझे बहुत बुरा मारेगा वो। चलो जल्दी से मैं अपनी गन निकाल देता हूँ। हाँ जो ठीक है, ये रही मेरी गन, देखो गाइस। अरे बाप रे, अरे नहीं, अरे बाप रे यार। हाँ मुझे पता था फ्रैंकलिन तू ऐसी बेवकूफ़ी करने ज़रूर आएगा, हालांकि सूट के अंदर मैं नहीं हूँ, ये मेरा AI सूट है, और देख तुझे यही मार देगा, मुझे तो आने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा ये बात है, तो देख तेरे AI का क्या हाल करता हूँ मैं, और मैं इसी सूट को चुराऊंगा दोस्तों। ये तो Mark 85 है, एक बार बस मेरे हाथ में आ जाए तेरी तो। अरे बाप रे, अरे नहीं बाप रे, गंदी लग गई गाइज। अरे नहीं चलो, थोड़ा बहुत तो पिटना बनता है, हालांकि आयरन मैन का सूट है
इतनी ज़्यादा पावर तो है इसमें, लेकिन ये गन भी, अरे बाप रे यार, और चटनी बना दी। वो तो अच्छा है मेरी बॉडी पर आर्मर है इनविजिबल, तभी मर नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं मर चुका होता, थैंक गॉड। अरे यार फ्रैंकलिन उठ, अरे नहीं यार कहाँ पर गया ये, अरे बाप रे, अरे नहीं, अरे तेरी तो नहीं 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 गाइस पैराशूट खुल, बच गया गाइस। मैं भी पूरी आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ उससे लड़ने के लिए, आराम से मुझे नीचे लैंड करना होगा। ये उसके जेरिको मिसाइल, अरे वाह दोस्तों मैं तो बच रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरह से, मज़ा ही आ गया। अरे बाप रे, नहीं नहीं आग लग गई मेरे पैराशूट में, मुझे उतरना पड़ेगा। नहीं नहीं आ ठीक है, बहुत हुआ, अब आ जा बेटा तुझे मैं बताता हूँ। फोन चूत और ये ले, हाँ सही है गाइस, एक मिनट फिर से मारते हैं, एक तो तू कहाँ भागेगा, ये खा। अरे वाह दोस्तों इस बार तो लगा गंदा वाला, और 1 2 3 ये ले, और ये दो, ये ये, अरे यार लगना, चलो ठीक है दोस्तों मैंने उसको हरा दिया है, अब जल्दी से इसके सूट को मैं पहन लेता हूँ और यहाँ से भागता हूँ। हारना यार, क्या कर रहा है, कितनी देर में हारेगा। और ये फिर से मारता हूँ, अच्छा फ्रैंकलिन, अरे बाप रे इसने तो मेरे सूट को डीएक्टिवेट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। फ्रैंकलिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरा सूट छोड़, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ अपनी सारी आर्मी लेकर। अरे गाइस इससे पहले कि आयरन मैन आए मुझे यहाँ से भागना होगा, चलो यहाँ से निकलते हैं सीधा। अरे बाप रे जल्दी उड़ फ्रैंकलिन बेटा, नहीं तो वो तेरे पास ही आएगा आयरन मैन। ये देखो गाइस यहाँ पर क्राइम हो रहा है, पहले इनकी बैंड बजाते हैं, वाह मज़ा ही आ गया। Mark 85 तो कमाल का सूट है, क्यों ना मैं इसको गॉड आयरन मैन में बदल लूँ दोस्तों। तो अब समय आ गया है गॉड आयरन मैन बनने का, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहले देखो ये क्या हाल है, आग लगाती रहे, छोड़ दे। हाँ ये सही था, तेरी तो ऐटो है यहाँ से। हाँ गाइस तो मैं कह रहा था कि मुझे गॉड आयरन मैन बनना है, तो उसके लिए मुझे किसी ऐसे बड़े विलन को हराना होगा जिससे कि मेरी पावर्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाए। एक मिनट, ये मेरे सूट को क्या हो रहा है, अरे बाप रे मुझे तो, अरे नहीं, अरे वाह दोस्तों मैं तो प्रो आयरन मैन बन गया, ये तो सुपीरियर सूट है, कितना कमाल का है। अरे वाह दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने अच्छा काम किया, और साथ ही साथ में मैंने शहर के लोगों को बचाया, इसलिए मेरा सूट अपडेट हो गया है। ठीक है मुझे अब दोस्तों किसी विलन को ढूंढना होगा जल्द से जल्द, और उसकी बैंड बजानी होगी, लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि टोनी स्टार्क मुझे ट्रैक करके आता ही होगा। एक मिनट ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अरे बाप रे क्राइम, भैया मार रहे हैं, छोड़ दे, क्राइम करोगे तो वहाँ क्राइम, एक मिनट कहाँ भाग रहा है, अरे छोड़ दे हमको यार, इतना बुरा मार रहा है यार, भैया ये नया आयरन मैन और भी बुरा है, छोड़ दे हमको। हाँ हाँ सबके सब मर चुके हैं, एक मिनट दोस्तों अभी बताते हैं, ये वाली मशीन यूज़ करता है, एक मिनट कहाँ पर है, और जीरा ठीक है मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन थोड़ा सा हर्ट होगा इसको। वन, अरे बाप रे आराम से, मुझे सूट अभी सही से कंट्रोल करना नहीं आ रहा। एक मिनट, अरे बाप रे ये तो सुपरमैन है, नहीं ये मुझे क्यों मार रहा है। अरे नहीं दोस्तों ये नॉर्मल सुपरमैन नहीं है, ये तो कोई ईविल या गॉड सुपरमैन लगता है, इसको हराना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये तो गड़बड़ हो गई, और ये मुझे मारने क्यों आया है। और तुझे क्या लगता है फ्रैंकलिन मैं तुझे मारने क्यों आया हूँ। एक मिनट ये तो टोनी स्टार्क की आवाज़ है, एक मिनट क्या ये रियल सुपरमैन नहीं है। और तू सही समझा, असल में ये मेरा ही बनाया हुआ AI है जो तुझे हराने आया, समझा, तूने मेरा सूट चुराया था ना, अब तू गंदा वाला मरेगा। अच्छा बेटा मैं तो डर रहा था, और अगर तू मुझे सच्चाई ना बताता तो शायद मैं हार भी जाता, लेकिन ये सिर्फ एक AI है दोस्तों, डरो मत, ये रियल सुपरमैन नहीं है, तो उसका मतलब मैं, अरे बाप रे इसके पास पावर तो कमाल की है रियल सुपरमैन जैसी, लेकिन फिर भी मैं जीत कर रहा हूँ। 1 2 और ये खा, ये ले और ये ले और ये ले, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, अरे बाप रे, अरे नहीं यार, अरे रे, अरे बाप रे तू काफ़ी फास्ट भी है दोस्तों, हाँ तूने क्या सोचा। अरे नहीं यार तू तो मार रहा है, हाँ फ्रैंकलिन कौन से सीखा तू ये सब, तुझसे ही सीखा हूँ टोनी स्टार्क, ये ले तेरा ही टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसने मुझे सब कुछ, अरे बाप रे, अरे नहीं यार, अरे बाप रे, हाँ तो दोस्तों मैं गॉड आयरन मैन बन चुका हूँ, ये देखो उससे लड़ते लड़ते कितना ही कमाल का हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया फाइट में लड़ते लड़ते, वो गॉड सुपरमैन वाला जो सूट था, काश गाइस वो वाला सूट मुझे मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो गॉड सुपरमैन वाला सूट मुझे मिल जाए तो वीडियो में पार्ट 2 जरूर लिखना, और हाँ हम ज़ॉम्बी आयरन मैन को जल्द हराएंगे, लेकिन पहले मुझे उसके लिए उसे ढूंढना होगा।